ये जोक किया था मैंने। हंसो भाई, प्योर सोल हंस रही है। छब्बीस साल का, 26 ताई। और तुम कितनी, तुम छोटी हो। अभी 29 की होगी ना। 29 में से 26 माइनस करें कितने बचे, ये उंगलियों पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई इजी कैलकुलेशन तो है नहीं, ये फ्यूजन रिएक्शन की ट्रिग्नोमेट्री में अरिथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। और वैसे भी ये तो क्विट इंटोसेंट और बिल्कुल प्योर सोल है ना यार, इसको कैसे आती होगी यार बेसिक मैथ। हाँ सब मुझे कुछ ना कुछ सिखा के गए। अरे सिखा तो तुम हमें रही हो बहन की, चाहे तुम्हारे में टैलेंट लॉन्ग इलायची के साइज का क्यों ना हो, बट हर जगह मैं तो क्विट हूँ, मैं तो इंटोसेंट हूँ, मैं तो अमूल देसी घी की तरह बिल्कुल प्योर हूँ कि ओवर एक्टिंग कर करके तरबूज जितना बड़ा करियर बनाया जा सकता है। मैं फैन हूँ इनका। इसके क्रिंज शो पे आके कपिल शर्मा भी अपने आप को यही बोल रहा है कि यार इससे अच्छा तो मैं घर बैठ के एक अद्धा टिकाता, 4 गालियां ट्विटर पे बकता, 8 गालियां किसी जर्नलिस्ट को फोन करके बकता और ज्यादा से ज्यादा मूड और बन जाता तो सुनील ग्रोवर में फिर से चप्पलें बजा देता। कम से कम यहाँ आके ये तो नहीं बोलना पड़ता कि मैं इसका फैन हूँ। ये शो पॉपुलर है, मुझे क्यों नहीं पता चला। तुम्हें इसलिए पता नहीं चला कि तुम्हारा शो पॉपुलर है क्योंकि पाद की बदबू ना पादने वाले को बाद में आती है, जो आसपास खड़े होते हैं ना उन्हें पहले आ जाती है बहना। पाद की बदबू ना पादने वाले को बाद में आती है, जो आसपास खड़े होते हैं ना उन्हें पहले आ जाती है। हाय गाइस, मैं शांतनु और ये पता लगाया जा सकता है कि शहनाज गिल को क्विक, इंटोसेंट, हम्बल, डाउन टू अर्थ बोलने वाली छपरी महिलाओं के मस्तिष्क में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी है तो वो कितनी है। लेकिन ये कभी पता नहीं लगाया जा सकता कि शहनाज गिल अपने बिग बॉस वाले कैरेक्टर में से रियल लाइफ में कब बाहर निकलेगी। ये पता लगाया जा सकता है कि आदि पुरुष के ट्रेलर को मास्टरपीस बोलने वाले रिव्यूअर्स अपने दिमाग से सोचते हैं या फिर अपने टट्टों से, लेकिन ये नहीं पता लगाया जा सकता कि शहनाज गिल में अगर टैलेंट है तो वो है क्या। और साथ ही साथ ये भी पता लगाया जा सकता है कि अरमान मलिक क्या अपनी चौथी बीवी लेके आएगा अपने नए व्लॉग में, और अगर लेके आएगा तो क्या वो चारों को फिर से एक और व्लॉग के लिए एक साथ प्रेग्नेंट कर देगा। लेकिन ये नहीं पता लगाया जा सकता कि शहनाज गिल कब तक अपना सिंपथी कार्ड खेल खेल के क्लाउड चेज करती रहेगी। तो बस सलमान भाई के TJSVY यानी टैलेंटलेस जनानी संरक्षण एंड विकास योजना की लेटेस्ट उपभोक्ता यानी कि क्लाउड चेजर बहन जी शहनाज गिल को आज हम कॉल आउट करेंगे उनकी बेसिर पैर बेफजूल की पॉपुलैरिटी के लिए, और साथ ही कॉल आउट करेंगे उनके एक्सट्रीमली टॉक्सिक फैन क्लब्स को। ऑनेस्टली सेइंग, क्यों अच्छे क्यों हो आप? हैं? क्या मतलब हुआ इस बात का? आपका कच्चा हमेशा गंदा क्यों हो जाता है? क्या ये क्यों बोलती है ऐसे ये? मैं रेड हॉट और बाबी, आप बाबी डॉल क्यों? शायद प्योर सोल्स ऐसे ही बोलती होगी। अरे कोई इस मीशो की 21 रुपए की कटरीना कैफ को ये क्यों नहीं समझाता कि ये बेवकूफाना बातें करके तू सामने वाले बंदे को भी इरिटेट करती है, अपनी ऑडियंस को भी इरिटेट करती है, और साथ ही साथ तू क्विट और इंटोसेंट नहीं लगती बहन, तू लगती है दिमाग से शेयर्ड ऑटो पे। मुझे अभी और बहुत आगे जाना है। आगे जाना है कहाँ बहन, तेरी करियर की स्कूटी पेप की पेट्रोल की टंकी रिजर्व पे है, टायरों में क्रिंज की हवा भरी है और एक्टिंग का जो कूलेंट है ना वो खत्म है। वो तो सलमान भाई अपने औहदे के टो ट्रक से तेरे को यहाँ तक टोचन करके ले आए, गनीमत समझ उसको। आगे जाना है, मुझे भी जाना है नूरा फतेही के साथ डेट पे, चला जाऊंगा मैं। 100 लोग खड़े हैं, मुझे क्यों नहीं देख रहे? तो मतलब मुझे था कि why people are not looking at me? अरे देख तो रही है, 19 से 21 साल की 8वीं फेल निब्बिया जिनको चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस नहीं पता, प्लूटो सोलर सिस्टम का प्लेनेट है या फिर हॉस खास में एक लाउंज, इसमें कंफ्यूज्ड हैं, अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखती हैं आई क्राई इन रेन सो नोबडी सी माय टियर, और आज तक अपने बॉयफ्रेंड से 35 रुपए में 501 SMS का टॉप अप कराती है जिसमें से 450 मैसेजेस वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भेजती। तो तुम्हारे को देखने वाली टारगेट ऑडियंस तुम्हारी जैसी है शहनाज। पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई लिखाई से तुमने हमेशा से सेफ एंड साउंड डिस्टेंस बना के रखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है शहनाज, क्योंकि जब भी तुम स्क्रीन पे मुंह खोलती हो तो बेफजूल की बातों की जो प्रोजेक्टाइल वॉमिट निकलती है वो सारे हमारे डाउट क्लियर कर देती है बहन। मेरे को ज्यादा स्पोर्ट्स में वहाँ ध्यान था। हाँ दीदी, मेरे को भी यही लग रहा था कि आपकी स्पोर्ट्स में काफी रुचि रही होगी, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से सिंपथी के ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में जो आप फ्री स्टाइल करती आई हो, कोई भी अप्रिशिएबल टैलेंट ना होते हुए भी जो आपने मेडल इकट्ठे करे हैं रेलेवेंट रहने के और स्टार कनेक्शंस बनाने के, वो कोई छोटी चीज नहीं है दीदी। मैं आपके साथ हूँ दीदी, इनको क्या पता आप इतने हम्बल हो, इतने इतने बढ़िया हो, सिडनास फॉरएवर दीदी, सिडनास। हमें एक बार ऑडिशंस लेने चाहिए, ऑडिशन लो मेरा। अच्छा ऑडिशंस करने चाहिए बहन, अगर तुम एक्चुअल ऑडिशंस करने जाती ना एक्चुअल फिल्मों के लिए, किसी का भाई किसी की जान एक्चुअल फिल्म नहीं है, वो एक भुखमरे आर्टिस्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, अगर तुम एक एक्चुअल ऑडिशन के लिए जाती ना तो रोल तो बहुत दूर की बात हो गई, तुम्हारे को वापस पंजाब की टिकट कटानी पड़ जाती और किसी
किसी का भाई किसी की जान तुम्हारे को इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हो या फिर तुमने बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ ऑडिशंस पास कर लिए, वो तुम्हारे को तुम्हारी बहुत ही केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड सिंपथी वाली इमेज के बेसिस पे मिला है। पैसे देके फिर देखो मुझे। तुझे पैसे देके बड़ी स्क्रीन पे देखो। अरे एक्सपायरी डेट वाली रसमलाई, किसी का दद्दू किसी के नानू में तेरा मुश्किल से मुश्किल। सवा चार डायलॉग्स होंगे और सलमान भाई की पिक्चर में ना को स्टार्स सपोर्टिंग कास्ट नहीं होती, वो प्रॉप्स होते हैं। तो तेरे को पैसे देके देखने की तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले तू अपने टैलेंट के बेस पे अपना डेब्यू तो कर ले बहन। मुझे अपना देखना है, मेरे को लोगों का नहीं देखना लोग क्या सोच रहे। झूठी फिर से झूठ बोल रही है। तुम अपनी प्योर एंड पायस हम्बल डाउन टू अर्थ ह्यूमिलिटी वाली इमेज तो तोड़ नहीं रही, क्यों? क्योंकि तुम डरती हो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी तुम्हारी जो सक्सेस है वो इस मैन्युफैक्चर्ड इमेज पे है, किसी टैलेंट पे नहीं है। तो झूठ मत बोलो। मैं इमोशन छुपाती नहीं हूँ, मैं जाके अकेले में अपने आप के साथ डील करती हूँ। व्हाट, तुम अपने इमोशन से अकेले में डील कर लेती हो, उनको बाहर नहीं आने देती? अरे मिस मैंगो वाइट, जो तुम्हारे करियर की कोठी है ना उस पे जो लेंटर डला हुआ है ना, वो तुम्हारे ओवर एक्सपोज्ड इमोशंस का डला हुआ है, जिसको तुम्हारी पीआर टीम ने बड़े ही इंटेलिजेंटली यूज करके पिछले 3 साल में तुम्हारा करियर लिख दिया। बट सिंस तुम क्यूट हम्बल और डाउन टू अर्थ हो, मैं तो मान लूंगा भैया, मैं तो टीम सिडनाज हूं। अब इसका क्रिंज शो यूट्यूब पे देख देख के मेरी नाभि चढ़ गई और मेरी सुंडी में होने लगा दर्द। तभी मैंने देखा, what is a time it is? It is a letter writing time. Dear, Big Boss में ही बोला होगा last time तुम्हें किसी ने dear भूले बिसरे। अब तो जो तुम्हें dear बोलता है, उसके मानसिक संतुलन पे मुझे काफी doubt होने लगता है। सबसे पहले तो ये गले में fish oil की मोटी गोली अटक गई हो, ऐसी हंसी हंसना बंद करो। ऐसे हंसते हुए तुम क्यूट नहीं, कुत्ता खांसी की मरीज लगती हो। अब तो सलमान भाई ने भी बोल दिया मूव ऑन, समझ लो इशारे। कब तक ये क्रिंज नौटंकी करोगी? हमारे मुंह बंद करा दो साले, सबके मुंह बंद करा दो, अपना टैलेंट दिखा के, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे टैलेंट क्या है। अब तो दिखाई दो टैलेंट, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगा मोहतरमा। अपने करियर में पीआर टीम एक हद तक ही लेके जा सकती है, नॉट योर्स, क्योंकि किसी भी बात का तुम्हारे कोई भी सेंस बनता है, जरा सा भी सेंस बनता है, इंडियन ऑडियंसेस दिमाग घूम गया ना इसी क्रिंज रील देख के। मत देखो, मैं बताता हूं क्या करो। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाओ, वहां पे इक्का पाजी का, वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट रैपर्स का मोस्ट अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट मैंने शूट किया उनके साथ, मजा आ गया भाई, हिलेरियस है। दिस इज द इक्का दैट यू हैव नेवर सीन इन एनी ऑफ द इंटरव्यूज। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, पिन कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। जैसी बेसाती आवाज गायब भाई, हनी भाई और बादशाह भाई ने तो ऐसे ऐसे गाने बना रखे थे ना भाई, वो ड्रॉप कर देते ना लड़के, मूत देते मूत। गानों के बीच में बीएफ भी चली जाती थी। बीच टैलेंजर अवतार, अवतार ने मारा भाई चौंटा पटाक, डर लगता रहता था भाई, घर वाला देखना। और यूं ऐसे होता था ऐसे आंचो आठ से होते ही आंचो चैनल बदला और बदल में आंचो और मां की वो डरा जाता था उस वक्त। वही ट्रोलिंग करते हैं, वही लोग गंदगी करते हैं जिनका खुद का खराब हुआ होता है। अरे अट्टा मार्केट की आघाता क्रिस्टी, ये जो तुम बीबी में कर रही थी बिग बॉस में, ये तो ट्रोलिंग नहीं थी, है ना? ओए कड़ी पत्ते इधर आ तू। बहना जहाँ तक बात रही ट्रोलिंग की, तो तेरा पूरा का पूरा जो कच्ची सड़क पे चलती गधा गाड़ी जैसा करियर है ना, वो एक ऐसे शो ने बनाया है जो एम्बॉडीमेंट है ऑफ ट्रोलिंग इन रियल लाइफ। बिग बॉस में छठे हुए निकम्मों को एक घर में बंद करके स्क्रिप्ट दी जाती है, जिसमें उनको खुली छूट है एक दूसरे को गाली गलौज करने की, चटियाने की, थप्पड़ मारने की, चप्पल मारने की, जूते मारने की। ये आज की बात नहीं है, ये बिग बॉस की बहुत ग्लोरियस हिस्ट्री है। बट माय बैड यार, ये समझने के लिए बंदे के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। आधा टाइम इनोसेंस और ह्यूमिलिटी का ड्रामा करना है हर जगह हर शो के ऊपर, और उसके बाद थोड़ा सा सिंपथी का कार्ड भी खेलना है, तो बेचारी थक जाती होगी यार रात तक। माय बैड यार, मेरे को समझना चाहिए। यानी कि मेहनत करके यहां तक पहुंच जाओ। अगर बिग बॉस करने को मेहनत करना कहते हैं ना, तो पूजा मिश्रा, पूनम पांडे और स्वामी ओम से ज्यादा हार्डेस्ट वर्कर होगा ही नहीं दुनिया में। और इसको एक फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और अचीवमेंट देने के लिए इसको अपने जैसे ही लपड़ झंडूस मिले हुए हैं। इस फन फ्लिप्स के पैकेट को देखो भैया, कितना खुश हो रहा है कि इसको मौका मिल गया, इसको इंटरव्यू करने के लिए जैसे नोबेल पुरस्कार जीत के आई हो या फिजिक्स में कहीं से। फाइनली मैं तो ना विक्ट्री डांस करना चाहता हूँ यहाँ पे। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, 1.5-2 साल हो चुके हैं एवर सिंस सिद्धार्थ लेफ्ट अस, लेकिन आज तक ट्विटर पे एंडलेसली #SidNaz क्यू ट्रेंड होता रहता है। एंड लेट्स बी वेरी रियल एंड नॉट प्रिटेंड हेयर फॉर अ मोमेंट, हम सबको पता है कि इस हैशटैग से जो भी सिंपथी जनरेट हो रही है उसकी माइलेज कैसे ली जा रही है। कैन वी प्लीज लेट द मैन रेस्ट इन पीस।
अरे अगर अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो टैलेंट के बलबूते पे बढ़ाओ ना। तुम्हारे शो में जो यूट्यूब पे तुम्हारा शो आता है उसमें जो भी सेलिब्रिटी आता है, पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि सलमान भाई का हाथ तुम्हारे ऊपर है, और दूसरी चीज ये विजिबली इरिटेटेड जाता है वो बंदा वहां से कोई भी एपिसोड उठा लो। और ये हम्बल और स्वीट होके खामखा अटेंशन ग्रैब करने का क्या नाटक है? मे बी तुम्हारा डिमीनर ऐसा था व्हेन यू वर इन बिग बॉस, बट अब ये बिग बॉस नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ है एंड नाउ पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ योर क्रिंज। और मोहतरमा के एक्सट्रीमली टॉक्सिक फैन क्लब्स वाले भी दिमाग से हाफ प्लेट चौमिन ही है, इनसे प्यार से पूछ लो वैसे मैडम में बताओगे टैलेंट क्या है तो आग से आग बबूला हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे और बोलेंगे तुम जलते हो इनकी सुंदरता से, इनके टैलेंट से, इतनी प्योर है, इतनी पायस है, इतनी हम्बल है, इतनी डाउन टू अर्थ है, जमीन में ही घुस गई है, इतनी डाउन टू अर्थ है। अबे ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हो गई कि जाना था जापान पहुंच गए चीन, क्योंकि लोगों की शक्ल तो सिमिलर ही दिखती है। मैंने कभी भी शहनाज का कुछ भी कॉन्टेंट पहले नहीं देखा था, लेकिन मैंने रिसेंटली देखा तो मैंने देखा कि कितनी जबरदस्त सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट और साथ ही साथ दिमाग को घुमा सुन कर देने वाला क्रिंज करती है ये मोहतरमा। और साथ ही साथ फिर मैंने तुमसे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे ये बात पूछी कि क्या मुझे इनको रोस्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये सब कॉल आउट करना चाहिए, तो मुझे नहीं पता था कि तुम लोग 1500 कमेंट्स कम्युनिटी पोस्ट पे कर दोगे जिसमें से 99.99% कह रहे हैं हाँ हमें रोस्ट चाहिए था। तो ये रहा ये वाला रोस्ट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाना। हम मिलते हैं अगले हफ्ते शायद द वैम्पायर डायरीज इंडिया वाला, तेरे इश्क में गंडो वाला जो मैंने बहुत टाइम से टाला हुआ है उसको करेंगे रिव्यू। और साथ ही साथ इक्का पाजी आए हुए हैं पॉडकास्ट पे, मैंने जैसे तुम्हारे को वीडियो के बीच में बताया था, जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। अरे 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 अरे।